हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि हम विंडोज 7 का बूटेबल कैसे बना सकते हैं, जैसे कि कोई भी हम लोग लैपटॉप या पीसी में कैसे हम विंडोज को डाल सकते हैं, वही पेन ड्राइव में बूटेबल बनाएंगे, जैसे हम लोग विंडोज 7 को इंस्टॉल कर सकें। सबसे पहले तो हम लोग कोई सा ब्राउजर ओपन करना है और रूफस डाउनलोड करना है ऑफिशियल वेबसाइट से। देख सकते हैं यहाँ पे मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गया हूँ और रूफस का 3.13 दिया है, इसको डाउनलोड आपको कर लेना है। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, इसलिए मैं इस टूल को डाउनलोड नहीं करूँगा। सिंपली मैं इस टूल को ओपन करता हूँ। नो, आपको एक पेन ड्राइव चाहिए 8 GB या 16 GB। फिलहाल मेरे पास 16 GB का पेन ड्राइव है, मैं उसको इंसर्ट किया हूँ। आपको पेन ड्राइव को फॉर्मेट कर लेना है, क्योंकि इस प्रोसेस में आपका पेन ड्राइव का डेटा डिलीट हो जाता है। कंप्लीट। विंडोज का आईएसओ फाइल सेलेक्ट करना है। यहाँ पे देख सकते हैं आईएसओ इमेज यहाँ पे शो कर रहा है, क्योंकि ये आईएसओ फाइल है। यहाँ पे जैसा है वैसे ही रहने देना है। एमबीआर बायोस और यू फाइव जीएसएम और स्टार्ट करना है। वार्निंग बोल रहा है ऑल डेटा, आपका जो भी पेन ड्राइव में है वो आपका डेटा हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। फिलहाल मैं इस वीडियो को पॉज कर दे रहा हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे आईएसओ फाइल कॉपी होना शुरू हो गया है। बूटेबल हमारा रेडी हो गया है, बूटेबल रेडी हो गया है। अब हमको बूटेबल में एक फाइल ऐड करना है। बूटेबल हमारा बन गया है। यहाँ पे एक फाइल मिसिंग है, जो ऑटो रन का फाइल है, उसको हम लोग ऐड करेंगे। ताकि हम लोग कॉपी कॉपी पेस्ट करेंगे इस ऑटो रन को तो पेस्ट नहीं होगा। मैं चलिए आपको दिखा देता हूँ, टेस्ट नहीं हो रहा। देख सकते हैं यहाँ पे टेस्ट नहीं हो रहा है। डेस्टिनेशन फोल्डर एक्सेस डिनाइड बता रहा है, ये टेस्ट नहीं होगा। ऑटो रन को राइट क्लिक करके ऐड टू ऑटो रन रार में कन्वर्ट करना है, और ऑटो रन को कॉपी या कट करके बूटेबल पेन ड्राइव में पेस्ट कर देना है। टेस्ट हो गया। अब हम लोग को इसको एक्सट्रैक्ट करना है। देख एक्सट्रैक्ट फाइल्स, पेन ड्राइव को चूज करना है, और इससे भी नहीं होगा। चलिए सिंपली हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट हो गया, और इसमें जो ऑटो रन का फाइल है उसको हम लोगों को कट करना है और सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देना है
जो ऑटो रन का रार फाइल है उसको हम लोग डिलीट कर देंगे, जो एक्सट्रैक्ट किए थे फोल्डर को उसको भी डिलीट कर देंगे। और यहाँ पे आपको एक बार रिफ्रेश करना है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ऑटो रन का फाइल है वो यहाँ पे शो कर रहा है। अब हमारा बूटेबल सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। अब हम विंडोज को डालेंगे तो कोई एरर शो नहीं होगा, क्योंकि हम ऑटो रन नहीं डालेंगे तो बूट तो करेगा ही, लेकिन इंस्टॉलेशन के समय हमारा एरर आता है क्योंकि ऑटो रन इसलिए डालना पड़ता है।